Thank you.
मोहम्मद सलवा बन कर वाले कौन
Yeah.
मोमिनों का गम न हो,
फैलाने के बाद तुमको असगर क्या खबर सितम खाने के बाद शाह कितनी देर रोए तुमको दफनाने के बाद तुमको असगर क्या खबर यकीन जाने ये मजलिस जिस उनवान से रखी गई है याद खादिमान अज़ाए हुसैन क्या उनवान है। अस्कुरूनी अस्कुरकुम तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिसने अपनी पूरी जिंदगी आजादारी में दे दी मरने के बाद अब आजादारी उसे देगी आखिरी रिवायत के बाद आ गई तो ये भी सुनते चले चौथे सरकार इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम से किसी ने पूछा अजादारों का मकाम। इमाम ने फरमाया रोज़े महशर जब सबको जमा किया जाएगा एक एक करके तमाम अंबियाओं को जमा किया जाएगा तो एक मर्तबा आवाज़ परवरदिगार आएगी वो लोग कहाँ है कि जिसने मुझ पर एहसान किया वो लोग कहाँ है कि जिसने मुझ पर एहसान किया। कौन कह रहा है? वहदहुल्ला शरीक कह रहा है। कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है। वो लोग कहाँ है कि जिसने मुझ पर एहसान किया तो जिसने मुझ पर एहसान किया जब मौला ने कहा कि मुझे आवाज आएगी तो एक मरतबा मेरे पापा से तमाम अदाकारों को बुलाया जाएगा और बुलाकर भेजा जाएगा। तमाम अंबिया जब नूर को देखेंगे तब सवाल करेंगे कि ये कौन लोग है कि जिनके चेहरे से मारने से ऐसा नूर रोशन हो रहा है। ये कौन लोग है जिसने जो अल्लाह पर एहसान किया तब आवाज निकल आएगी कि ये हुसैन के अदाकार है ये हुसैन के अजादार है। अच्छा ये फलसफा ये बात अक्सर लोगों से हजम नहीं होती कि अल्लाह पर एहसान करना ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसने अल्लाह पर एहसान किया हो आइए रवायत के जरिए से भी और दरायत के जरिए से भी इसे पेश कर दो। तीन जवान अभी आने वाली है आपका हुसैन का मंजूर होने वाला है रिसालत महान की देव में हुसैन मांगेंगे रिसालत महान हुसैन को देखेंगे एक मरतबा रोने लगेंगे बीबी चेहरा आगे बढ़ेगी उसने की बाबा को रोते हो पूरी करबला सुनाएंगी बीबी सवाल करेगी मैं हमारा पर नहीं आ रहा बीबी सवाल करेगी मेरे बाल पर रोएगा था मेरे बाल पर रोएगा था अल्लाह जवाब देगा कि मैं एक ऐसी कौन को खर्च करूंगा एक ऐसी कौन को खर्च करूंगा जिसने सवाल मेरे जवान का मातम करेंगे जिसने पूरे तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे जिसने सपने तेरे बच्चे का मातम करेंगे। अल्लाह ने जहरा से वादा लिया जहरा ने अल्लाह से वादा लिया अल्लाह ने जहरा से वादा लिया या अल्लाह ने जमाना इस मजमे के जहन के तरीकों को खोल देता मेरी ये बात आप तक पहुंच जाए। जहरा ने अल्लाह से वादा लिया अल्लाह ने जहरा से वादा लिया कि मैं कौन को खर्च करूंगा जो रोएंगी अब इंसाफ करना अगर आजादार ना होते तो रोता कौन आजादार ना होते तो रोता कौन अगर कोई रोता नहीं अल्लाह का वादा बंदा होता नहीं अगर कोई रोता नहीं अल्लाह का वादा बंदा होता नहीं ये आजादारों का बिजली आजादारों का बिजली नहीं बल्कि अल्लाह का वादा बंदा हो रहा है अल्लाह का वादा वफा हो रहा है। तो जो लोग अल्लाह के वादे को वफा कर रहे हैं जो लोग अल्लाह के किए वादे को वफा कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह कह रहा है कि वो लोग कहाँ है जिसने मुझ पर एहसान किया। सारे अजादार रोज़े महशर जमा होंगे सारे हुसैन के रोने वाले जमा होंगे पुरसदारों
हमारा अकीदा यही है कि बीबी फर्श मजलिस पर आती है, और जब आप जाकिर को दाद देते हो तो जाकिर का हौसला बुलंद होता है, मगर जब आप मसाइब में रोते हो तो बीवी शाद हो जाती है कि 1400 साल बीत गए, ये मेरे लाल को आज भी रोते हैं। ये वो लोग हैं जिसने मेरे लाल को शहीद होते देखा नहीं है, ये वो लोग हैं जिसने मेरे लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। मगर पुरसदारों कभी उनके मसायब उनकी मुसीबतों को भी महसूस करना जिसने करबला को अपनी आंखों से देखा है, बस वही करबला सजाने के लिए हुसैन आज मदीने से कुछ कर गए हैं। किस आलम में हुसैन कुछ कर रहे हैं? मुझे 28 रजब की पड़ी वक्त काफी हो गया, बस दो घूमने किस आलम में हुसैन कुछ कर रहे हैं? वही मदीना है ना कि जिस मदीने में मोहम्मद हसनैन को अपने कांधे पर बिठाकर घूमा करते थे। हुसैन पर इतना अजब बढ़ता गया, लोग कहते हैं हुसैन पर करबला में अजब बढ़ता है, मैं कहता हूं करबला में नहीं मदीने में ही आ गया। मदीने में इतना अजब बढ़ता गया कि हुसैन को दरबार से बुलावा भेजा गया। हुसैन इतना मजबूत हो गया कि जिनके बुलाने पर कायनात का जर्रा जर्रा उसके कदमों पर आ जाए। हाकिम के बुलाने पर हुसैन दरबार पहुंचे, कहा बैत करो, आका ने जवाब दिया पलट कर सुनाए। हुसैन मदीने से रुखसत होने जा रहे, तारीख कहती है कि जब हुसैन सबसे पहले रुखसती के लिए अपने नाना के मजार पे पहुंचे, जब हुसैन नाना के मजार पे जा रहे थे, तारीख ने कहा कि हुसैन ऐसे जा रहे थे कि जैसे एक मदासा नाना की कब्र पे जाता हो, अदब और एहतराम से सलीके से हुसैन पहुंचे। उसके बाद हुसैन भैया की कब्र पे पहुंचे तो भाई हसन की कब्र पे हुसैन ऐसे पहुंचे जब मैं एक बादशाह की कब्र पे जाता हो। अब हुसैन भाई की कब्र में पहुंचे, अपनी अम्मा की कब्र पे जाने के लिए तालीम के जुमले है। हुसैन अपनी माँ की कब्र में ऐसे जाते हैं कि जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी माँ की आघोष में जाता है। अपनी कुंडलियों के बल हुसैन अम्मा की कब्र में जाते, हुसैन अम्मा अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा, अपना हुसैन मदीने से जा रहा है। हुसैन ने अम्मा से रुखसती हुई, हुसैन ने नाना से रुखसती हुई, हुसैन अब मदीने से निकल रहे हैं। महमले लगाई जा चुकी, महमले लगाई जा चुकी, हुसैन मौला अब्बास महमले का नुमाया कर रहे हैं, महमले को चारों तरफ से देख रहे हैं। एक मरतबा देखते देखते मौला अब्बास ने अचानक कहा कि महमलों को रोका जाए, महमलों को रोका जाए, महमलों को रोक दिया गया। दौड़ने हुसैन के पास पहुंचे, कहा के कहा के आका हुसैन, आका हुसैन मेरा मेरे साथ चलिएगा। आका हुसैन ने कब्र को पकड़कर अब्बास एक महमल के पास लाए, लाने के बाद क्या देखा, एक छोटी बच्ची, एक छोटी बच्ची महमल के निकट पर चलती है। मैं ये नहीं कहती मेरा मालिक को बैठा दो, बाबा मुझे जिंदा की सवारी। उसने कहा कि नहीं सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा, जब तुझे देखता हूं तुझे मेरी अम्मा लहरा जाती है, बुखार के आलम में तुझे नहीं ले जा सकता। बीबी सुंदरा ने कहा ठीक है बाबा, नहीं ले जाना, आपकी अपनी मर्जी, आखिरी मरतबा मेरे भाई अफगर को मेरे हवाले कर दो, आखिरी मरतबा अफगर के लोगों से बोसे ले दो। एक मरतबा हुसैन ने कहा रबाब की हमारी को बुलाया जाए, बीबी रबाब की हमारी को बुलाया गया, हमारी को रोका गया, रबाब हमारी को रोकी। अली अफगर के सुंदरा के हाथों से गिना, बीबी ने अफगर के लोगों की जान छीन ली। अब एक मरतबा अल्लाह हुसैन ने हाथों को बढ़ाया और कहा मेरे अफगर
کو دینا سمرانے کا وعدہ ایسے نہیں اگر اجمل اپنی منزل سے جائے گا تو اجمل کو لے جانا ورنہ اجمل میرے پاس نہ ہوگا ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی شریفی نے کہا چھوٹی پانی لہرانے کچھ کہا اجمل نہیں ہٹے ایک مرتبہ والا پاس نے کہا اجمل نہیں ہٹے دلی ان رواب نے کہا اجمل نہیں ہٹے ایک مرتبہ آتا حسین آگے بڑھے اجمل نے کانوں میں کچھ کہا میں نہیں جانتا کیا کہا مگر میرا دل کہتا ہے آقا نے یہی کہا ہوگا کہ اجمل نور زمانے کو بتانا ہے دیکھو کہ اگر میرا قاتل کون ہے نور زمانے کو بتانا ہے کہ میرا قاتل کون ہے میرا قاتل اگر ابھی اکبر کو مارتا ہے تو زمانہ سمجھے گا میرا قاتل مسلمان نہیں ہے اگر مسلمان ہوتا تو سبھی پیغمبر کو نہ مانتا میرا قاتل کون ہے یہ بتانا ہے اگر عباس کے بعد عباس کو مارے گا تو زمانہ سمجھے گا میرا قاتل ہمارے جانے والا نہیں ہے اس لیے وہ تعلیم حضرت کو مار دیا لیکن اگر اجمل تم نہیں آؤں گے تو میں پتا نہیں پاؤں گا کہ میرا قاتل انسان نہیں ہے اجمل کوئی انسان کی سپاہی کو نہیں مار سکتا اجمل میرے بات کرو تمہارے بغیر سربنا دیتی نظر ہوگی سارے دن نہیں آؤ اجمل مندر والا دنوں میں آئے آج میں مل چلے گی ایک مرتبہ دن کہا کہ آج میری گزارش ہے بابا میرے بھائی اکبر سے مجھے ملا دو اکبر کی مندر من میں نہیں جاتی ایک مرتبہ والا اکبر آگے بڑھے بیوی نے وعدے لیے اکبر نے وعدے کیے ایک مرتبہ تو اکبر جانے لگے بیوی نے کہا بھیا ذرا ٹھہرنا ایک مرتبہ پاؤں کے ہلنے میں نہیں ایک مرتبہ لے آئی نے مٹی کو جمع کیا بھائی نے قدموں کے پاس رکھا کہا بھیا ذرا اس میں اپنے قدم رکھنا اور اکبر نے قدم رکھے بیوی نے ہاتھوں میں لیا اکبر نے اونچا پہن سویا چڑھ لی سگڑا کر دیا بھیا جب جب سے نہیں آ جاؤں گے تیرے قدموں میں لکھا دیکھ لیا کروں گی ہاں یہ کافلہ روانہ ہوا آج میرا دل ہے دل سگڑا کی ہے جب تک خبر نہ آئی تاریخ گواہ ہے میں سات سال ہی معلوم ہر شام ایک آتا لے کے مدینے کے چوراہے پہ جاتی تھی اور جانے والوں سے پوچھتی تھی کیا تم سے جا رہے ہو اگر تم سے جا رہے ہو میرا خط لے جا رہا میرے بھیا کو سنانا میرے بابا کو سنانا میں کہوں گا ہے شہزادی مجھ رہا آپ مدینے میں رہ گئی آپ کربلا رہ گئی بی بی بہت اچھا ہوا بی بی بہت اچھا ہوا آپ میرے رضائی سے بچ گئی آپ کا باطل سے بچ گئی آپ میری بہن کی قسموں سے پکڑا اے آپ کی بہن کی بار جانا جس نے اپنے آدمیوں حسین کے گھوڑوں کے سینے کو پکڑا اور کہنے لگی بابا نیند آئے نیند باپ نیند آؤں بابا میں رات کو مسل میں نہیں آؤں گی خدا بندہ یہاں شریک افراد میں کسی کو قرض کی تکلیف ہے, کسی کو مرض کی تکلیف ہے, کوئی آل کی تکلیف میں مبتلا ہے تو کوئی مال کی تکلیف میں مبتلا ہے. خدا بندہ اپنی ان تمام دعاؤں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھتے ہیں اور ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ کے تجھ سے صرف ایک دعا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری یہ ایک دعا اگر بڑھ آ جائے تو ہماری تمام تر مشکلات پوری ہو جائے گی, تمام تر مشکلات ختم ہو جائے گی, نابود ہو جائے گی. خدا بندہ ہمارے رہبر کر دینے والے اس کے ذہین تعظیم فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.
कुछ भी तो नहीं पास मेरे Thank you.
Thank you.